17 अगस्त भारत के लिए बेहद खास दिन। दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर से अलग हो गया। अब इंतजार है 23 अगस्त का, जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग हो जाने के बाद लैंडर को डी बूस्ट किया जाएगा। आसान शब्दों में समझिए, उसकी रफ्तार कम की जाएगी और यहाँ से चांद की दूरी घटकर सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर रह जाएगी और यहीं से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह पर लैंडिंग कराने की प्रक्रिया बेहद अहम होने वाली है। लैंडर को 90 डिग्री कोण पर चांद की तरफ चलना शुरू करना होगा। शुरुआत में चंद्रयान 3 की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और थ्रस्टर की मदद से इसे चांद पर सुरक्षित उतारा जाएगा। इस मिशन के सफल होते ही भारत की काबिलियत एक बार फिर से दुनिया के सामने होगी। चांद पर लैंडिंग करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। यही नहीं, चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, तापमान -200 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। चंद्रयान 1 ने यहां बर्फ के होने के संकेत भी दिए थे। चांद की सतह पर मिट्टी और चट्टानों के नमूने भी जुटाएगा। चंद्रयान 3 मिशन से प्राप्त जानकारी भारत को चांद पर मानव मिशनों को भेजने की योजना में मदद करेगी। भारत ने अपने हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। चलते चलते आपको ये भी बताते हैं कि ये मिशन सिर्फ 14 दिन का ही क्यों है। दरअसल चांद पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला होता है। रात के वक्त टेम्परेचर -100 डिग्री तक पहुंच जाता है। चंद्रयान के लैंडर और रोवर सोलर पैनल से पावर पैदा करेंगे, इसलिए वो 14 दिन तक तो पावर जनरेट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही रात होगी ये प्रोसेस रुक जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ की भयंकर ठंड को झेल नहीं पाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसलिए इस पूरे मिशन को सिर्फ 14 दिन के लिए डिजाइन किया गया है।